नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए दरख्वास्त। जस्टिस सिनवारुल हक फनू ने समाअत से माजरत कर ली। दो रुकनी बेंच तहलील हो गया। केस जस्टिस अली बाके नजफी की सरबराही में डिवीजन बेंच भिजवाने की सिफारिश। केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस अली बाके नजफी की सरबराही में दो रुकनी बेंच आज ही समाअत करेगा। मुल्क का बड़ा सूबा बगैर वजीर आला के चल रहा है। वजीर आला से हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमजा शहबाज की वजीर आला का हल्फ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल दिए। कहा गवर्नर को नौ मुंतखब वजीर आला को हल्फ के लिए बुलाना चाहिए। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने एडवोकेट जनरल को गवर्नर से हिदायत लेकर कल पेश होने का हुक्म दे दिया। समाअत मुलतवी, जबकि अदालत ने मुस्लिम लीग काफ की फरीक बनने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। उस्मान बुज़दार की बतौर वजीर आला इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। शहरी तनवीर सरवर ने दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए। आप मुतासर फरीक नहीं, जिसका इस्तीफा मंजूर हुआ उसे एतराज नहीं, तो आप कौन है? आपने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है, क्यों ना आपको 10 लाख रुपये जुर्माना किया जाए? दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि सर मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी। डॉलर की कीमत रोज बरोज बढ़ने लगी, रुपए की कदर गिरने लगी। आज भी इंटरबैंक में डॉलर 1.33 रुपए महंगा हो गया। कीमत 187 रुपए तक जा पहुंची। चार रोज में इंटरबैंक में डॉलर 5.70 रुपए महंगा हो चुका। मीनारे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जलसा पिंडाल सज गया। पीटीआई रहनुमाओं का 50,000 कुर्सियां लगाने, 5 लाख से जायद लोगों की शिरकत का दावा। सिक्योरिटी के लिए 4,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी देंगे। ट्रैफिक पुलिस की भी तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी वजूहात पर मीडिया की गाड़ियों को जलसागाह में दाखिल होने से रोक दिया गया। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस को भी शाम 4 बजे बंद कर दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार की मंजूर शुदा समरियाँ नए वजीर आला के सामने रखने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों ने उस्मान बुज़दार की मंजूर करदा समरीज पर काम रोक दिया। काबीना विंग ने वर्किंग शुरू कर दी। नए वजीर आला समरियाँ मंजूर करेंगे। तहरीक इंसाफ का आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम। नए माली साल में 5 अरब रुपए का फंड मख्स करने की तजवीज़। स्कूल एजुकेशन ने तजवीज़ PND बोर्ड और महकमे खजाना को इरसाल कर दी। 2 लाख से ज्यादा बच्चे आफ्टरनून स्कूलों में जेर तालीम हैं। लेडी सूट का कपड़ा खराब क्वालिटी का देने पर डिग्री जारी। अलमीरा क्लोथिंग ब्रांड इकबाल टाउन के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी हुई। अदालत का दरख्वास्त गुजार को सूट की कीमत 6,150 रुपए और 20,000 रुपए हर जाना अदा करने का हुक्म। दाता दरबार में सहरी और इफ्तारी के दौरान गैस की अदम फ्राहमी। महकमे औकाफ ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को मरासला इरसाल कर दिया। 20 रमजानुल मुबारक को 1,000 से ज्यादा अफराद एतकाफ बैठ जाएंगे। गैस की अदम फ्राहमी की वजह से लंगर की तैयारी करना नामुमकिन होगा। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने गैस फ्राहमी के इंतजाम करना शुरू कर दिए। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, चौथी, पांचवीं और आठवीं का लार्ज स्केल असेसमेंट इम्तिहान मुलतवी। इम्तिहान पंजाब के 36 अजला में मुनक़िद करवाया जाना था। पैक हुकाम के मुताबिक इम्तिहान आइंदा हफ्ते मुनक़िद करवाए जाएंगे।